असलम दोस्तों कैसे हैं दोस्तों डेटा बेसिस का एडवास कोर्स की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश हमदीद करता हूं तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे डेटा बेसिस के एक नए कंसेप्ट यानी इंटरनल मॉडल की तो दोस्तों पिछली चंद वीडियो से हम बात कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ डेटा एक्सट्रक्शन सबसे पहले हमने एक्सटर्नल मॉडल यानी एक्सटर्नल व्यूज़ पर बात की थी एंड यूजर व्यूज जिन्हें हम कहते हैं जिसमें यूजर का अपना अपना व्यू होता है उसके बाद कंसेप्चुअल मॉडल यानी डिजाइनर व्यू जो कि ये बहुत सारे एंड यूजर व्यू या एक्सटर्नल मॉडल के व्यूज़ को कंबाइन करके बना होता है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि उसमें एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल माडा देर इज़ लेस आर लोअर abstraction. उसके बाद आज हम जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इंटरनल माडा यानी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से डेटा को देख डेटा बेस को या डेटा को देखता है ठीक है यानी हम डी बी एम एस व्यू यानी ये इंटरनल व्यू है और इसमें इन दोनों से कंसेपचुअल और एक्सटर्नल से कम एब्सट्रैक्शन है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है फिजिकल से थोड़ी सी ज़्यादा एब्सट्रैक्शन है ठीक है इसके अंदर हमें उन दोनों की निस ज़्यादा डिटेल मिलेगी ठीक है और ये हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है लेकिन चूंकि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इनडिपेंडेंस नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है ठीक है सबसे पहले हमने एक्सटर्नल मॉडल देखा था जिसके अंदर हर यूज़र का अपना व्यू था हर यूज़र अपने डेटा को अपने तरीके से देखता था लेकिन उसके बाद हमने कंसेप्चुअल मॉडल पर बात की थी जिसके अंदर हमने देखा था कि तमाम एक्सटर्नल व्यूज कंबाइन होकर एक ग्लोबल व्यू मिल गया था डेटा बेस का ठीक है जो कि लेस ऑब्सट्रैक्ट था, था एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल मॉडल उसके बाद आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल मॉडल पर ठीक है और इंटरनल मॉडल जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कंसेपचुअल इस, और एक्सटर्नल मॉडल से कम ऑब्स्ट्रैक्शन होती है ठीक है और इसके और कंसेप्चुअल मॉडल के दरमियान लॉजिकल इंडिपेंडेंस है और इसके और फिज़िकल मॉडल के दरमियान फिजिकल इंडिपेंडेंस है वाट इज़ इंटरनल मॉडल इंटरनल मॉडल अमूा हम डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जब अपना सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस है डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कैसे सिलेक्ट करना है ये इनशाला बाद के एडवांस कोर्स जब हम टॉपिक्स पर बात करेंगे तो उसके अंदर कवर करेंगे ठीक है तो मैप्स कंसेपच्चुअल मॉडल टू डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी ये जो हमारे कन्सेपचुअल मॉडल सिस्टम है ये इंटरनल मॉडल में डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मैप कराता है यानी वो जो हमने पूरा खाका देखा था इसको एक किस्म का डेटा बेस डेटा बेस में डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करने की uh, करता है एफर्ट करता है इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बेस एज सीन बाय डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डेटा बेस किस तरीके से हमारे डेटा को देखती है यानी ये यारे कंसेप्चुअल मॉडल था लेकिन ये आप इंटरनल मॉडल देख सकते हैं कि किस तरीके से डेटा बेस को देखती है ठीक है ये देखें इसमें हायर एब्सट्रैक्शन है यानी हमें डेटा को इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन ये लेस एब्सट्रैक्शन है ठीक है uh, उसके बाद uh, uh, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इंटरनल मॉडल में इस तरह होता है जो डिज़ाइनर होता है वो कंसेपच्चुअल मॉडल के तमाम आइटम्स को या रिक्वायरमेंट्स को या कंस्ट्रेंट्स को इस तरह कर लेता है ट्रांसलेट करता है जैसे कि ये देखें ये एक टेबल है क्लास ठीक है इसको क्रिएट टेबल क्लास रूम में इसने कन्वर्ट किया हुआ है ठीक है इस तरीके से स्टूडेंट है इसने देखे स्टूडेंट को किया है। उसके बाद क्लास है उसने क्लास को कन्वर्ट किया ये तमाम जो उसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स है वो सारा कुछ किया है उसके बाद कोर्स कोर्स को किया फिर प्रोफेसर को किया यानी ये चीज़ कह सकते हैं और ये सारा हमने क्या देखा ये है इंटरनल स्कैमा व्हाट इज़ इंटरनल स्केमा इंटरनल स्केमा स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटरनल मॉडल जैसे कि आप इस कंसेप्चुअल मॉडल का ये इंटरनल स्कैमा देख सकते हैं या इंटरनल मॉडल देख सकते हैं ये एक रिप्रेजेंटेशन है यानी ये जो योज है या स्क्यूअल क्यूरी है तो ये हम कह सकते हैं कि इंटरनल स्कीमा या इंटरनल मॉडल है ठीक है या इंटरनल मॉडल की रिप्रेजेंटेशन है वही विल यूज़ रिलेशनल डेटा बेस टू इम्प्लीमेंट इंटरनल मॉडल ठीक है रिलेशन डेटा बेसि जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि एज कम्पेयर टू रिलेल एंडी हेराकल मॉडल्स ये काफ़ी बेहतर डेटा uh, बेस होते हैं चूंकि इसके अंदर मैथमेटिकल कन्सेप्ट रिलेशन का भी यूज़ हो सकता है मैथमेटिकल कन्सेप्ट है तो इसलिए हम रिलेसनल डेटा बेसिज यूज़ करेंगे फॉर रिलेशनल मॉडल इंटरनल स्केमा इज एक्सप्रेस यूजिंग एस क्यूल यानी रिलेशनल मॉडल में जो हमारा स्केमा होता है वो एसक्ल की मदद मतलब से रिप्रेजेंट होता है तो इसके लिए हम एस क्यूल यूज़ करेंगे जैसा कि आप कंसेपचुअुल मॉडल देख सकते हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा क्लास तो उसको एस में हम कन्वर्ट करते हैं क्रिएट टेबल क्लास रूम रूम वगैरह वगैरह ये सारा कुछ उसके बाद हमारा स्टूडेंट uh, तो उसके लिए हम एक एस uh, क्यू में टेबल या हम क्यूरी यूज़ करते हैं उसके बाद हमारा क्लास है ठीक है उसके लिए ये है ठीक है उसके बाद हमारा कोर्स है उसके लिए कोर्स के लिए ये है और उसके बाद हमारा प्रोफेसर है उसके लिए हमारा ये है यानी ये सारा कुछ क्या है इंटरनल है या इंटरनल मॉडल है ठीक है तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ कोड सा और हमें स्ट्रक्चर डेटा का या ये क्यूरीज हमें या ये सारा कुछ जमे करना था ठीक है कुछ एट्रीब्यूट चाहिए थे लेकिन आ, 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 रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट से जो हमने इसमें रिलेशनल डेटा मॉडल हमने सेलेक्ट किया है ठीक है ठीक है तो हमने कहा था रिलेशनल डेटा बेसिस यूज़ करेंगे तो उसकी वजह क्या थी उसकी वजह सिर्फ ये थी कि अराचिकल एंड नेटवर्क मॉडल रिक्वायर्स मोर डिटेल दैट इज डेटा स्टोरेज स्पेसिफिकेशन एंड एक्सेस पाथ्स वगैरह एट स्टॉप यानी अराइचिकल और नेटवर्क जो मॉडल थे वो उसमें इनसे ज़्यादा डिटेल थे यानी हमें डेटा स्टोरेज भी डिफाइन करना पड़ता है ये एक्सेस पाथ भी बताने पड़ते हैं तो इसलिए हमने रिलेशनल मॉडल को किया था क्योंकि रिलेशनल मॉडल में हमें ये सारी पटीकें नहीं उठानी पड़ती मोस्टली रिलेशनल मॉडल रिक्वायर्स लेस डिटेल एज मोस्ट ऑफ द आर डी बी एम एस सेंडल्स आई थिंग यानी रिलेशनल डेटा मॉडल को सिलेक्ट करने की दूसरी वजह यह थी कि रिलेशनल डेटा मॉडल में हमें कम से कम डिटेल जैसे देखें यहाँ हमने डिटेल दिया लेकिन हमने कोई डेटा स्टोरेज या किसी चीज़ की हार्डवेयर की हमने कोई डिटेल नहीं दी तो ये हम कह सकते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल्स में हमें ये डिटेल नहीं देनी पड़ती क्योंकि रिलेशनल डेटा मॉडल ये सारी डिटेल्स को देना कर लेते हैं ठीक है हाँ अलबत्त मेन फ्रेम के लिए हमेशा ये थोड़ी बहुत डिटेल देनी पड़ जाए तो अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल मॉडल के एडवांटेजेस की ठीक है तो इंटरनल मॉडल के क्या एडवांटेजेस हैं या इंटरनल मॉडल में किस तरीके से डिपेंडेंस होती है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंटरनल मॉडल में एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मॉडल लेस एब्सट्रैक्शन एंड एज कंपेयर टू फिजिकल मॉडल देर इज हायर एब्सट्रैक्शन ठीक है तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का व्यू होता है इसके अंदर तो ये सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है ठीक है वट इज वाई इज सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस इंटरनल मॉडल डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर हैंड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट ठीक है इंटरनल मॉडल सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है जैसे डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तो, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है एनी चेंज इन सॉफ्टवेयर रिक्वाइज चेंज इन इंटरनल मॉडल यानी अगर हम सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे तो हमें इंटरनल मॉडल में भी चेंज करनी पड़ेगी उसके हिसाब से करना पड़ेगा उसके अलावा आ जाती है आ, लॉजिकल इंडिपेंडेंस जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया था लॉजिकल इंडिपेंडेंस ये देखे लॉजिकल इंडिपेंडेंस व्हाट इज लॉजिकल इंडिपेंडेंस चेंज इन इंटरनल मॉडल विदाउट अफेक्टिंग कंसेप्चुअल मॉडल यानी हम इस तरीके से इंटरनल मॉडल को चेंज करते हैं कि कंसेप्चुअल मॉडल पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता तो इसको हम लॉजिकल इंडिपेंडेंस कहते हैं उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट हार्डवेयर इंडिपेंडेंस तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनल मॉडल हमारा हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है हार्डवेयर इंडिपेंडेंट क्या है कि ये सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है लेकिन इसका हार्डवेयर से इतना कोई खास ले, लेना देना नहीं है इंटरनल मॉडल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर यानी इंटरनल मॉडल इंटरनल मॉडल में हमें हार्डवेयर की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती ठीक है वो हम फिजिकल लेवल या किसी और लेवल पर तो कर सकते हैं ठीक है तो इंटरनल मॉडल हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है ठीक है यानी ये चीज़ से अनएफेक्टेड होता है कि आ, किस किस्म का हमारा कंप्यूटर है कौन सा आ, या कौन सा हमारा हार्डवेयर यूज हो रहा है जिसके ऊपर हम अपनी डेटा बेस या हमारा अपना डेटा डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं ठीक है तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है एनी चेंज इन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग ऑपरटिंग सिस्टम डजेंट अफेक्ट इंटरनल मॉडल यानी अगर हम कोई हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई चेंज करते तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसका फर्क पड़ता है सिर्फ सॉफ्टवेयर यानी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है कि कौन सा डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है अगर उसके अंदर चेंज आएगी तो हमें इंटरनल मॉडल में डेफ़िनेटली चेंज करनी पड़ेगी तो दोस्तों आज हमने बात की है इंटरनल मॉडल पर तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे फिजिकल मॉडल को आ, क्लियर क, आ, कवर करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़